अगर मुझे मिल जाए ना सच्ची में, मैं आम पब्लिक के नाते ना ये चप्पल उतार के ना 10-5 बजाऊं भाजपा वालों को। जब इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो ये किस बेस पे उनको जेल में ले गए? कितने को बंद करोगे? 1 को 10 को 100 को 1000 को लाखों में? यहाँ तो लाखों की संख्या में लोग हैं, किस किस को बंद करोगे? करो परेशान किस किस को कितना करना? इस बार क्या लग रहा है भाजपा को बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा फिर? बिल्कुल ऐसे भागेंगे जब चूहा भागता वो बिल में से निकल। हिंदू मैं भी हूँ, भगवान को मैं भी मानती हूँ, राम जी की भक्त मैं भी हूँ, लेकिन जब मेरे घर में खाने को रोटी नहीं होगी, मेरे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो मुझे जन सुविधाएं चाहिए वो मिलेंगी नहीं, तो उन राम जी का मैं क्या करूँगी? ये बताइए, उस मंदिर का मैं क्या करूँगी? मुझे तो बेटर सुविधाएं, बेटर राज्य और बेटर देश चाहिए। मोहित बर्बाद कर दिया देश को, देश बचने वाला नहीं है यार। इतनी महंगाई, 3.5 सिलेंडर साला आज 1200 बिक रहा है, वो भी नहीं मिल रहा वक्त पे। केवल एक काम बढ़िया किया, जो फिल्म गेहूं बांट दिया, जनता को लूट लिया, बस एक काम बढ़िया किया और कोई काम नहीं बढ़िया किया है। अरे भाई अडानी तो उसके मित्र है, किसको और देगा? अडानी अम्मा तो उसी के चेले हैं सर। अगर इन्होंने पूछताछ करनी थी तो उनको बुलाते, पूछताछ करने के लिए उन्होंने पूरी सपोर्ट की है इनको। जब भी इन्होंने बुलाया है पूछताछ के लिए वो हाजिर हुए हैं। पहले तो इन्होंने सीबीआई का नाम लिया कि सीबीआई पूछताछ करेगी, उसके बाद उनके पीछे ईडी भी लगा दी इन्होंने। किस बेस पे? मैं तो बीजेपी से पूछना चाहती हूँ। ईडी और सीबीआई जो है वो इंडिपेंडेंट आज की डेट में काम नहीं कर रही है, वो जैसे भाजपा है इशारा कर रही है उसी बीजेपी के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। बीजेपी ने उस व्यक्ति को अंदर किया है जेल के अंदर जिसने बच्चों का भविष्य जो सुधारा है। आज़ादी के 75वां वर्ष चल रहा है, 75 वर्ष हो चुके हैं शायद से आज़ादी के बाद, आज तक स्कूल में और स्वास्थ्य में एजुकेशन में आज तक वो काम नहीं हुए हैं जो मनुष्य शुद्धि ने जो किए हैं। तो क्या ये सीबीआई ने जो गिरफ्तारी उनकी की थी सोची समझी साजिश हो सकती है, या फिर भाई जैसा भाजपा का कहना है कि जी घोटाला हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है तभी उनको गिरफ्त में लिया गया है? ये तो बीजेपी का काम है, जो आदमी काम करेगा उसको अंदर डालने नहीं डालने। भाजपा वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 8 करोड़ के साथ एक बीजेपी नेता विधायक है, विधायक के बेटे को 6 करोड़ रुपए जो निकले हैं उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? वो जो तेलंगाना में हुआ है उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इनके अपने पार्टी के जो इनके लीडर हैं, नेता हैं, विधायक हैं, इनके उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी। ये तो जो है अपना केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए हैं, बस किसी तरीके से बस पार्टी को नष्ट करना है। क्या इतना बेहतर काम आम आदमी पार्टी ने किया कि भाजपा को आप मारने को तैयार हैं? बिल्कुल किया है उन्होंने। हमारी आप मानोगे, मेरी बेटी जेडीएस केवी से पढ़ रही थी भाई, उसके बाद भाई अपनी केजरीवाल सरकार आई, स्कूल इतने बढ़िया कर दिए भाई, हमारे बच्चों को फैसिलिटी मिली है, उसके बाद अब वो बीएड कर रही है। वो हम थैंक्स कहना चाहते हैं मनीष सिसोदिया जी को कि उन्होंने इतना बेहतर स्ट्रक्चर बनाया कि हमें किसी चीज की भाई जो 1-1.5 लाख रुपए भाई पे कर पाना हमारे लिए भाई पॉसिबल नहीं था। गरीब इंसान कहाँ 1-1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, क्योंकि इससे बगैर तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। क्या जनता इस बार 24 में खदेड़ देगी मैडम भाजपा को, क्या लग रहा है? बिल्कुल भाजपा को यूं निकाल फेंकेगी, ये सोच भी नहीं पाएंगे क्या हुआ। इन्होंने तो बहुत गलत स्टेप ले लिया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये अब विनाश की तरफ जा रहे हैं। ये अभी भी सोच ले, अभी भी सुधर जाए फिर भी इनका कुछ हो सकता है, और अगर ये नहीं सुधरे, इसी हमारे सिसोदिया जी को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो इनके इनका सुपड़ा साफ होने ही वाला है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, पब्लिक को सब पता है ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सिसोदिया जी के हाथ में ये शराब का वो था, तो इन्होंने उन्हीं दुकानों के बाहर बैठ के बीजेपी वालों ने धरने दिए, सब किया। अब उन्हीं दुकानों में उसी तरीके से शराब बेची जा रही है, क्या अब घोटाला नहीं हुआ? अब जब केंद्र सरकार के हाथ में शराब की वो है और उल्टा उसके रेट भी बढ़ा दिए, अभी गैस सिलेंडर के रेट मैं कहती हूँ 5 साल में इन्होंने कम से कम 5 से 10 बार रेट बढ़ा दिए होंगे। एक आपातकाल सुना था हमने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था, ये अघोषित आपातकाल है, इसमें तो पीएम मोदी लगा रहे। हाँ, अघोषित आपातकाल है, इसमें आप भी नहीं बचोगे, हम भी नहीं बचेंगे। ये हालत है इस देश की। हम चाहते हैं शिक्षा रहे, और शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी तो कल को क्या होगा, भीख मांगने के अलावा हमारे पास क्या रहेगा? और ये चाहते हैं कि भीख न मांगने वाले अंधभक्त पैदा हों।